आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूँ की मीठी दलिया। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डाला, 2 घी गरम हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी दलिया। अब इसको चलाते हुए भूनना है। एक से 2 मिनट हो गया है और ये दलिया भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पे 1 गिलास डाला है और अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1/2 गिलास और डाल दिया। दलिया को मैंने धीमी आंच में 10 से 15 मिनट तक इसको पका लिया है। ये दलिया अच्छी तरह से पक चुकी है। इसको धीमी आंच में पकाना है, नहीं तो ये पानी सूख जाएगा और दलिया सही से पक नहीं पाएगी। इसलिए इसको धीमी आंच में 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी दूध। दूध मैंने जिस गिलास से पानी डाला था उसी गिलास से 2 गिलास यहाँ पे दूध डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से चला देना है। अच्छी तरह से इसको चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। दूध में उबाल आ गई है। अब इसमें मैंने डाल दिया है चीनी। दूध गाढ़ा हो चुका है और दलिया भी पक चुकी है। दलिया हमारी पक चुकी है।
अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। दलिया हमारी रेडी हो गई। अब इसमें हम ऊपर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स।